ओवरऑल एल टैबलेट्स एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आप लोगों को प्रेगनेंसी से बचाने में मदद करती है, और साथ में ही अगर किसी के पीरियड्स जो हैं वो सही समय पे नहीं आते हैं तो इस मेडिसिन को लेने के बाद उनके पीरियड्स भी जो हैं समय पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेडिसिन जो है एग को रिलीज होने से रोकती है और साथ में ही स्पर्म्स के द्वारा जो फर्टिलाइजेशन होती है एग के साथ उस चीज़ को भी रोकती है। ओवरऑल एल टेबलेट जो है इसको आप लोग जो है खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम जो है सेट कर लेना है और उसी टाइम के ऊपर जो है आप लोगों को इस मेडिसिन को लेना है। तभी आते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो तब तक आप लोग जो है इसको कंटिन्यूसली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टेबलेट्स को लेने के बाद वोमिटिंग हो जाती है, उल्टियाँ हो जाती हैं 4 घंटे के अंदर अंदर, तो आप लोगों को दूसरी टैबलेट जो है उसको ले लेना है। अगर आप लोग जो है कभी मिस कर देते हैं इस टैबलेट्स को लेना या फिर भूल गए इस टैबलेट्स को लेना, तो अगर 12 घंटे के अंदर अंदर अगर आप लोगों को याद आ जाता है कि टैबलेट्स नहीं ली है, तो आप लोग जो है टैबलेट्स को जल्दी से लें और जो मिस्ड डोज है उसको भी लेना है आप लोगों को। अगर 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और टैबलेट्स आप लोगों ने मिस कर दी है, तो आप लोगों को नेक्स्ट 2 डेज तक जो है कॉन्डोम का यूज़ करना है इंटर कोर्स के दौरान। इस टैबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बीच में नौसिया, हेडेक, एलर्जी, ब्रेस्ट पेन जो है आ जाएंगे। तो कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो है इसका नहीं होता है। अगर किसी को सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होता भी है तो आप लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना है उन कंडीशंस के बीच में। तो आप लोगों को इस मेडिसिन को लेने से पहले एक बार जो है डॉक्टर को पूछ लेना है। अगर कोई वुमेन जो है स्मोक करती है तो उसको भी डॉक्टर को एक बार सलाह ले लेनी है। अगर किसी की एज जो है 35 ईयर के ऊपर की एज है तो वो जो है अगर इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहता है तो उसको भी एक बार जो है डॉक्टर को पूछ लेना है। या फिर किसी को कभी भी हार्ट अटैक आया हो तो इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहता है तो उन कंडीशन के बीच में भी डॉक्टर की सलाह लेनी है। या फिर किसी को कैंसर है यूट्रस का, सर्विस का, वेजिना का, तो उन कंडीशन के बीच में भी डॉक्टर की सलाह के बिना जो है इस मेडिसिन को आप लोगों को नहीं लेना है। आप लोगों को इस मेडिसिन को अगर कोई पहले से ऑलरेडी प्रेग्नेंट है आप लोगों को पता है तो उन कंडीशन के बीच में भी आप लोगों को जो है इस मेडिसिन को नहीं लेना है। अगर कोई जो है अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाता है तो उन कंडीशन के बीच में भी आप लोगों को इस मेडिसिन को नहीं लेना है। ओवरऑल एल टैबलेट जो है एक ओरल कंट्रासेप्टिव टैबलेट है और इसके बीच में 21 टैबलेट्स जो है आप लोगों को वन स्ट्रिप के बीच में मिलेंगी और जिसका की प्राइस है 72। जब कभी भी आप लोग किसी भी मेडिसिन को कहीं से भी खरीदें तो उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करके ही खरीदना चाहिए, और जी मेडिसिन आप लोगों को किसी भी केमिस्ट की शॉप से ईजिली मिल जाएगी। इस मेडिसिन को आप लोगों को बच्चों से दूर रखना है और स्टोर करके रखना है विलो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के नीचे, और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट करना है। और जी मेडिसिन जो है कई और अलग कंडीशंस के बीच में भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जैसे कि अगर किसी को बर्थ कंट्रोल करना है तो हैज़ ए ओरल कंट्रासेप्शन के तौर पे जो है इसको रिकमेंड किया जाता है। अगर पेनफुल मेनस्ट्रुएशन साइकिल्स अगर किसी के आते हैं उन कंडीशंस के बीच में भी जो है इसको रिकमेंड किया जाता है। इसको यूज़ करने के बाद जो मेनस्ट्रुएशन होती है उसमें जो पेनफुल मेनस्ट्रुएशन होती है तो वो जो है उतनी पेन नहीं होती है। रिकरेंट मिसकैरेज के केस में भी जो है इसको रिकमेंड किया जाता है, और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के केस में भी जो है इसको रिकमेंड किया जाता है। अगर हम लोग जो है कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो मेनस्ट्रुअल साइकल्स जो हैं मोर रेगुलर हो जाएंगे इस मेडिसिन को लेने के बाद। जो ब्लड फ्लो होता है मेनस्ट्रुएशन साइकल्स के दौरान तो वो कम ब्लड फ्लो होगा, जिससे आप लोगों की बॉडी से कम आयरन लॉस्ट होगा, और जो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी से तो वो भी कम हो जाते हैं। तो जो पेन होती है ड्यूरिंग मेनस्ट्रुएशन साइकल्स के दौरान तो वो भी जो है कम पेन होती है। ओरल एल टैबलेट्स जो हैं जो एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है या फिर बर्थ कंट्रोल पिल है तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है उन वूमेंस के लिए जो कि अपनी प्रेगनेंसी में डिले चाहते हैं या फिर स्पेस चाहते हैं नेक्स्ट चाइल्ड के बीच में, तो उनको जो है इसको यूज़ करना चाहिए। अगर कोई भी वूमेन जो है 2 या 2 से ज़्यादा पिल्स कॉन्टीन्यूसली रो में भूल जाती हैं लेना तो उसको जो है इस कंप्लीट स्ट्रिप को कंप्लीट नहीं करना है, तो उसको जो है नेक्स्ट स्ट्रिप को जो है कंटिन्यू कर देना है जब उनके नेक्स्ट पीरियड्स आना स्टार्ट होंगे।